तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। बालवीर, सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज। आज तो चिंटू चिंटी पूरे जन्म का बदला लेके रहेंगे। चलो चिंटू भैया। हाँ। मैं क्यों नहीं हिल पा रही हूँ? अब हम तुम्हें कलर करेंगे और मैं तुम्हें। बालवीर यहाँ? बालवीर को तो अकल और मन ने मूर्ति बना दिया है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है इसको गलतफहमी हो गई है कि झाड़ू नहीं घोड़ा है। आरोही, ये झाड़ू घोड़े से भी फास्ट होता है, सो तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को मैच करो। इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। खिलाड़ी नंबर दो की दुर्घटना के लिए हमें खेद है, इनका खेल तो शुरू होते ही खत्म होने वाला है। हेल्प, हेल्प, विमान मदद करो। अनन्या तो सदमे में आ गए, अब परियों की बारी है। क्या हुआ, हमें यहाँ क्यों बुलाया? जाने ये बुरा बालवीर कौन है और कहां से आया है, क्योंकि दोनों बालवीर तो खेल लोक में है। अब कहीं इस बुरे बालवीर को तिमनासा ने तो नहीं भेजा? इस बात की जांच करने के लिए हमें परीक्षण यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। आखिर फंसी गई ना परिया मेरे मकड़ जाल में। और परीक्षण यंत्र तो काफी शक्तिशाली है, हमें उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देनी होगी। डोंट वरी परियो, परीक्षण यंत्र को मैंने ऐसी सेफ जगह पे छुपा के रखा है जहाँ पे उसे मैं भी यूज करूंगी तो भी किसी को नहीं पता चलेगा। विवान ने अपने झाड़ू से आरोही को ब्रूम पे वापस बिठा दिया। थैंक यू बालवीर, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये तो सीधा मून पे लैंड करता। आखिरकार आरोही रेस में वापस आ गई है। अब ऐसा लगता है कि आरोही और बालवीर मिलकर अकल और मन के बहुत करीब आ जाएंगे।
क्या, खेल में एक नया मोड़। आरोही और बालवीर अकल और मंद के बराबर में आ गए हैं। बुरे कर्म हो पीछे, अकल का झाड़ू उड़ जाए पीछे। अरे हम पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है मंद के साथ रहते अकल की भी अकल घास चरने चली गई है। दौड़ में आगे जाने के बदले वो दोनों पता नहीं क्यों पीछे जा रहे हैं। आरोही और बालवीर जो रेस में पीछे थे, अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठोकर खाने का नहीं, दौड़ जीतने का समय है भैया, जल्दी चलो। और अब अकलमंद अपनी खोई हुई गति वापस प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बालवी, अब मैं तुम्हें ये खेल जीतने नहीं दूंगा। अब दोनों की टोली बराबरी पे है। जल्दी से एक दीवार बनाओ मन। ना जाने अकलमंद ये कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही सामने दीवार बनाने के पीछे उनकी सोच क्या है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। अरे भैया, दीवार क्यों बनवा दी सामने? अरे मंद, दीवार हमारे सामने नहीं, उनके सामने बनानी थी। ओ, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो। प्रतियोगिता में छल कपट का इस्तेमाल करते हुए अकल और मंद ने अतिथि खिलाड़ियों को बुरी तरह फंसा दिया है। अब अपनी पूंछ का पीछा कर जरो तुम दोनों, हम चले प्रतियोगिता जीतने। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर का जीवन तुम्हारे हाथों में है। परीक्षित यंत्र के पास मुझे जल्दी जाना होगा। Thank you.
अनन्या वो क्या कहते हैं पृथ्वी वाले ऐसे में सरप्राइज परीक्षित यंत्र के द्वारा काल लोक के ऊपर से बाल परी का इंद्रधनुष हटेगा और ये क्या अकल के वार से बालवीर और आरोही एक ही जगह गोल गोल कैसे चक्री की तरह घूमे जा रहे हैं और आखिरकार अकल के जाल से बालवीर और आरोही बाहर निकल ही गए भैया हमें छोटा रास्ता चलना चाहिए है ना नहीं मंद छोटा रास्ता हमेशा खतरनाक होता है और वैसे भी हम बहुत आगे तो हमें इस प्रतियोगिता जीतने से कोई रोक नहीं सकता अब विवान और आरोही कंफ्यूज होकर छोटा वाला रास्ता चुनेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है एंजॉय द सीनरी विवान एंजॉय ये तो धोखा है मुझे विवान से बात करनी होगी विवान विवान क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो विवान हमें शॉर्टकट लेना चाहिए टाइम बचेगा नहीं शॉर्टकट लूजर्स के लिए होता है और चैंपियन हमेशा हार्ड वर्क का लॉन्ग वे ही चूज करते हैं बट नो इफ नो बट हम शॉर्टकट नहीं लेंगे बालवीर और आरोही ने भी चुना है लंबा रास्ता आ गए विजेता आ गए छा गए विजेता छा गए इतने शक्तिशाली परीक्षण यंत्र को इस कचरे के ढेर में छुपा के रखा ताकि किसी को शक ना हो मान गए अनन्या चालाक हो तुम पर मैं तुमसे भी ज्यादा चालाक हूं इस यंत्र की सही जगह है काल लोक में नो होशियारी करने की गलती भी मत करना होशियारी तो मैं कर चुकी हूँ भैमार अंकल वो क्या कहते हैं धरती वाले ऐसी सिचुएशन में
ओ सरप्राइज। अब जब तक तुम्हारे हाथों में ये दस्ताने हैं, तुम कोई जादू नहीं कर सकते भैमर। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा चेकमेट कैसे हुआ, तो सुनो। फेब्रुअरी के मध्य में गलती से 30 डेज हो सकते हैं, लेकिन बालवीर गलती से भी बच्चों का मजाक नहीं उड़ा सकता। कुछ तो सॉलिड गड़बड़ है। ये बात है, शेर की स्किन में डोंकी आया है। ओ तो इस डोंकी के पीछे डोंकी किंग भैमार का हाथ है। कोई बात नहीं, अब मैं लेती हूं इस भैमार की फिरकी। ध्वनि परी, पानी परी, आप लोग जल्दी भारत नगर आइए, एक नाटक बास को सबक सिखाना है। चालाक लोमड़ी को लग रहा था कि वो शिकार कर रहा है, पर उसे क्या पता था कि वो खुद ही शिकार हो जाएगा। असली यंत्र यहां है। अब भैमार वीरलोक का कैदी बनकर अपनी सारी जिंदगी वहीं गुजारेगा। क्या देख रहे हैं कि बालवीर और आरोही के पीछे दो खतरनाक चकरियां पड़ गई हैं। ओनो, अगर हमारे ये ब्रूम्स कट गए तो हम ये रेस हार जाएंगे। विवान, मैं अकल और मन के अलमारी में ट्रॉफी नहीं बनना चाहती हूँ। वैसे बालपरी, मुझे नहीं पता था कि मैं दोनों बालवीरों को बच्चों के खेल में जीत जाऊंगी। ये डिस्क तो हमें अपना बर्थडे केक समझकर काटना चाहती है। तो हम लोग अब क्या करें? एंड डिस्क से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया है मेरे पास। टोटल सरेंडर। मतलब? अपने ब्रूम पर फुल स्टॉप लगाओ। ये क्या हुआ? बालवीर और आरोही अचानक से क्यों रुक गए? कभी कभी अगर हाथी का ध्यान भटक भी जाए तो चींटी भी उसे काट जाती है। पर चींटी को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हाथी की एक फूंक उन्हें कुचलने के लिए काफी है। हाँ,
चलो परियो। हाँ चलो। विवान, नहीं रुको। फिर तुम्हारे ब्रिलियंट आइडिया है क्या? मैं वही सोच रहा हूँ। ये खतरनाक हो सकता है। विवान अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? ये कदम उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये गेम तो हम जीत कर ही रहेंगे भैया।